क्या आप भी अपने Realme मोबाइल को अपडेट करना चाहते हैं? वेल, तो ये वीडियो खास आपके लिए है। आपको बहुत सिंपल तरीका बताएंगे जिससे आप बिल्कुल आसानी से अपने Realme मोबाइल को अप टू डेट कर सकते हैं। सो हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है चित्रंजन, आप देख रहे हैं टेक सुरंग चैनल को। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह के रिलेटेड इम्पोर्टेंट टॉपिक से वीडियोज लाते रहता हूँ। और हो सके तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए चलते हैं अब अपने मोबाइल के स्क्रीन पर, ताकि आप लोग अच्छा से समझ सके। दोस्तों, अब हम अपने मोबाइल के स्क्रीन पर आ चुके हैं। अपने Realme मोबाइल को अपडेट करने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में सेटिंग्स को ओपन करना है। सेटिंग्स को ओपन करने के बाद ऊपर की तरफ स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करते ही आपको सॉफ्टवेयर अपडेट का ऑप्शन मिलेगा। आपको ये सॉफ्टवेयर अपडेट का ऑप्शन सेटिंग्स में कहीं ना कहीं ज़रूर मिलेगा। अगर आपके मोबाइल में अपडेट अवेलेबल होगा तो आपको इस सॉफ्टवेयर अपडेट के ऑप्शन में एक नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। उसके बाद सिंपल आपको इस सॉफ्टवेयर अपडेट पर क्लिक करना है। सॉफ्टवेयर अपडेट पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको अपने अपडेट को डाउनलोड करना होगा। डाउनलोड करने के लिए नीचे आपको डाउनलोड नाउ का ऑप्शन मिलेगा। सिंपल आपको इस डाउनलोड नाउ पर क्लिक करके अपने अपडेट को डाउनलोड करना है। तो चलिए हम अपने अपडेट को डाउनलोड करते हैं। अपडेट को डाउनलोड करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। सिंपल आपको इस अपडेट नाउ पर क्लिक करना है। जैसे ही आप अपडेट नाउ पर क्लिक करेंगे, आपका मोबाइल रिबूट हो जाएगा, यानी आपका मोबाइल रीस्टार्ट हो जाएगा। और आपके मोबाइल को रीस्टार्ट होने में थोड़ा समय भी लग सकता है। ये डिपेंड करता है आपके अपडेट के साइज पर, कि आपके अपडेट का साइज कितना बड़ा था।